ये कहानी है पाकिस्तान की हार की। पर ये चेतावनी है चीन के लिए। लद्दाख के करगिल में जो शिकस्त पाकिस्तान को मिली थी, लद्दाख के एलएसी में उसकी याद ही चीन के दिल में दहशत डाल दी। पाकिस्तान को हमारे रणबांकुरों ने 21 साल पहले जो सबक सिखाया था, वो आज के चीन के लिए चेतावनी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 21 साल हो गए हैं करगिल विजय को, लेकिन आज भी अपने सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान का छलावा नजर आता है, दूसरी तरफ चीन का विश्वासघात। लेकिन इसके बावजूद हम दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ने में एक साथ सक्षम हैं और जीत हासिल करने में भी। आज हम आपको बताएंगे ये सारी बातें, करगिल की कहानी भी सुनाएंगे। ये कहानी पाकिस्तान के लिए सबक है तो चीन के लिए चेतावनी। दुश्मन कोई भी हो, उसके दुस्साहस पर हम विजय पाते हैं। हम विश्वास तो करते हैं पर विश्वासघात का बदला भी लेते हैं। हमारा शौर्य हर मुश्किल साजिश को उखाड़ फेंकता है। चाहे दुश्मन ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा करके अपनी जीत को सुनिश्चित क्यों न माने, हम नीचे से भी उसका गिरना निश्चित कर देते हैं। पाकिस्तान के सामने सर ऐसा था कि वो हाइट पे बैठे थे और हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं सर, तो गैप जो रात एक तो रास्ते नहीं थे, रास्ते बनाना पड़े, तो ऐसे रास्ते ऐसे जो गैप थे उनको उन्होंने ऐसे कवर कर रखा था कि वहाँ पर चलना जरा कठिन हो जाता था। तो अगर एक पत्थर गिरता तो हो सकता था तीन चार जो जवान घायल भी हो सकते थे। आज कहानी तो हम करगिल की सुना रहे हैं, संदेश चीन को दे रहे हैं। जिस चीन के पास युद्ध लड़ने तक का अनुभव नहीं, वो देखे हम अपने दुश्मनों का क्या हश्र करते हैं। जो चीन आधी सदी पहले की एक फतेह को संजोए बैठा है, वो देखे हम लड़ते हैं तो दुश्मन का क्या हाल करके छोड़ते हैं। मौका मिला है हमें अपने साथियों का बदला लेने के लिए, और उन्होंने नारा भी दिया था कि विजय या वीरगति, कि एक सैनिक के लिए इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थ्रो कर दिया तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड में गिर गया। जब तक उसने ऐसे देखा पीछे मुड़ के, पीछे तो कोई था नहीं, तो उसने ऐसे निकालने की कोशिश करी, पता नहीं क्या है, इतने ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड का फटना और एकदम में खलबली मची, साला इनमें से कोई जिंदा है। बोला जिंदा ने नीचे से फौज आ गई। तो वो एक मौका था कि जिससे मैं कुछ कर सकता था। मैंने दोनों हाथ बढ़ाए उसकी राइफल को उठाने के लिए, लेकिन मेरा एक हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से मैंने राइफल उठाई और वहाँ से ऐसे ब्रश फायरिंग किया, उसमें तीन चार जवान उनके खत्म हुए। फिर इसी हाथ से पलटा खाकर दूसरे पत्थर तीसरे पत्थर, उनको लगा कि नीचे से फौज आ गई, फिर वहाँ से भाग गए। बीते 21
बरस भारत के वज्र बन जाने के हैं। ये उन तैयारियों के हैं जो पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में सक्षम है, आतंकियों का अंत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत के उस सर्वशक्तिमान रूप के हैं जिनके आगे चीन भी आज सहम कर रहता है। हम आज भी सक्षम हैं, हम तब भी सक्षम थे। और ऐसा बहादुर कमांडर कौन है दूर राजीव के अंदर? वैसे सभी बहादुर हैं, लेकिन विशेष बहादुर कौन है जो इस तिरंगे को वॉलंटियर होकर के ने अर्तोलोलिंग पे फहरा दी? और मैंने बोला वो सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल ऑफ टू राजदीप उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटे कोबरा, तने 13 मई को 4 उग्रवादी बजा के मारे, वही लड़का है ना तू कोबरा? वो ये सर। आप सोचेंगे कि करगिल में और आज के LAC में क्या समानता है, तो सीधे सीधे तो दो समानताएं सामने आ जाती हैं, क्योंकि करगिल का जब दौर था उस समय पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि भारत से अपने दोस्ताना संबंध दिखाए, किस तरह से अमन की बस चल रही थी। आज चीन झूला झूलता है और उसके बाद गलवान के इलाके में जिस तरह का विश्वासघात किया उसने वो करता है। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये कि करगिल के दौर में एक तो उस समय का फायदा उठाकर जब दोनों तरफ से तैनाती नहीं रहती थी, पाकिस्तान के सैनिक आकर ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठ गए ताकि ऊपर से वो नियंत्रण रख सके, नजर रख सके और भारी पड़ सके भारत पर। गलवान में चीन की कोशिश यही रही है, उसने कोशिश की कि वो ऊंचाइयों पर काबिज हो जाए और वहां से नियंत्रण कर ले, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपनी परिभाषा के अनुसार बदल ले। लेकिन पाकिस्तान को तब और चीन को अब मुंह की खानी पड़ी। ये सच है कि भारत की सरलता और सहनशीलता के हिस्से में बार बार विश्वासघात आया, लेकिन ये भी सच है कि भारत ने हर विश्वासघात का जैसा बदला लिया वो दुनिया में एक मिसाल बन गया। चाहे वो आज की गलवान घाटी में चीन को दिया हुआ जवाब हो या तब 1999 में पाकिस्तान को करगिल में सिखाया हुआ सबक हो। लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। हथियारों के बल पर पाकिस्तान फैसला चाहता है, लेकिन 3 बार लड़ाई में 3 बार पाकिस्तान हारा, हथियार डालने पड़े, समझौता करना पड़ा। वो कच्छ लेने के लिए आए थे, कच्छ ले नहीं सके, बाद में वो पंजाब का हिस्सा लेने के लिए आए थे, ले नहीं सके, बांग्लादेश बन गया, आए थे लेने के लिए और देने पड़ गए। भारत ने वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए पड़ोसी देशों के साथ हमेशा दोस्ताना रिश्तों की चाहत में बहुत कुछ सहन किया। जैसे आज के दौर में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को झूला झुलाया, भारतीय धरोहरों के दर्शन कराए, तब पाकिस्तान के साथ अमन की सदा के तौर पर दोस्ती की बस चलाई थी। मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था, मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया, मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ, मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है।
तो मैंने कहा क्या हुआ वाइस भाई साहब, कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले। और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया। उसके बाद फिर आपने देखा कि वो उस कारगिल की जंग का क्या हशर हुआ। जैसे आज भारत से दोस्ती की आड़ लेकर चीन ने गलवान घाटी का षड्यंत्र रचा, तब ठीक इसी तरह भारत पाक दोस्ताना माहौल में पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ करगिल में साजिशों का जाल बुन रहा था। अब एक कारगिल था जहां से, अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, पांच जगह में हम अंदर थे, चाहे कैसे भी वो मुजाहिदीन थे या एनएलआई थे। ये हमें फख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हमने पहली दफा एक अपने आप को एक फख्र दिलाया फौज को। आज गलवान है तब करगिल था, इन दोनों के बीच 21 बरस हैं और इन 21 बरसों में न तो चीन और पाकिस्तान की विश्वासघाती फितरत बदली और न ही भारत का जवाब देने का अंदाज बदला। गलवान के विश्वासघात का जवाब गलवान में दिया, करगिल के विश्वासघात का जवाब करगिल में दिया। पाकिस्तान का सच जो हो, नवाज शरीफ का सच जो हो, मुशर्रफ का सच जो भी हो, लेकिन 1999 का सच ये हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान ने करगिल में आस्तीन में छिपे सांप की तरह भारत के स्वाभिमान को डसने की कोशिश की और भारत के जाबाजों ने उसकी मंशाओं को कुचल कर उन पर शौर्य का तिरंगा गाड़ दिया। इसे संयोग कहा जाए या समय का कोई संकेत कि विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ तब है जब हजारों फीट ऊंचाई पर एलएसी पर भारत ने चीन के खिलाफ शौर्य का मोर्चा खोला हुआ है। अब से 21 साल पहले पाकिस्तान भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल की पहाड़ियों में घात लगाकर बैठ गया था। समय बदला है लेकिन विश्वासघाती पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की फितरत नहीं बदली। यहाँ तक कि साजिश करने के दोनों के तरीके भी एक ही जैसे हैं। करगिल में लगभग 16,000 फीट पर पाकिस्तान ने धोखेबाजी से कब्जा करने की कोशिश की थी, तो गलवान में चीन ने लगभग 17,000 फीट ऊंचाई पर वैसा ही षड्यंत्र रचा। युद्ध की सच्चाई ये है कि जो ऊंचाई पर काबिज हो जाता है उसका पलड़ा भारी रहने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। ऊंचाई से नीचे की हर हरकत पर नजर रखना आसान होता है, ऊंचाई से नीचे की ओर निशाना सटीक लगाया जा सकता है, गोली और गोलों की जगह पत्थर और चट्टान गिराने से भी दुश्मन को रोका जा सकता है। ऊपर दुश्मन की संख्या और तैयारी क्या है इसका अंदाजा नीचे से नहीं लगाया जा सकता। करगिल युद्ध की शुरुआत में ये क्लियर नहीं था कि जो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी सैनिक हैं या फिर आतंकवादी हैं। भारत की तरफ से वहां की टोह लेने के लिए अलग अलग टीमों को भेजा जाता था, लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक कोई स्पष्टता नहीं थी क्योंकि ऊंचाई की जगह पर क्या है ये नीचे से बता पाना संभव नहीं है। जैसे ही सैनिक ऊपर जाने की कोशिश करते थे ऊपर से या तो गोलियां बरसानी शुरू कर देते थे पाकिस्तानी या फिर चट्टान लुढ़काना शुरू कर देते थे। बहुत भारी कैजुअल्टी का सामना करना पड़ रहा था भारत को। दरास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी नेशनल हाईवे 1 अल्फा से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी जिसने हमारा जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा पूरा ब्लॉक किया हुआ था। कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे की तरफ जा ही नहीं पा रहा था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क था। और क्योंकि जो भी हम काम करते हैं काम के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद प्लानिंग बनती है और प्लानिंग के ऊपर उस काम की सफलता निर्भर करती है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे 4 या 5 टेररिस्ट हैं यही बताया जा रहा था, उसी के आधार के ऊपर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने अपनी पूरी प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत जब तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हमारी बटालियन एक एक्सिस से एक रास्ते से चढ़ी और क्योंकि एडवांटेज दुश्मन के पास पूरा था, ऊपर से बैठा हुआ दूर तक हमारी आसानी से हरकत देख सकता था, दूर से दूर बर्बाद कर सकता था हमको, लेकिन छुपते छुपाते हम ऊपर की तरफ गए।
तो वहां से जब बहुत नजदीक उनके पास पहुंचे तब उन्होंने फायर खोला। पाकिस्तान की सोच ये थी कि भारत इतनी ऊंचाई पर से पाकिस्तानी कब्जे को खाली करवा नहीं पाएगा और तब दबाव या युद्ध की स्थिति में वो कश्मीर पर सौदेबाजी कर लेगा। लेकिन भारतीय जांबाजों और भारत की युद्ध नीति ने पाकिस्तान के सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिए। हर पोस्ट पर तिरंगा लहराया। करगिल जैसे ही मंसूबे के साथ चीन ने भी ऊंचाई की जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। पर अगर वो ऐसा कर भी लेता तो अंजाम पाकिस्तान जैसा ही होता। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। यही कारण था हजारों फीट नीचे होने के बावजूद हमने हर एक जगह से दुश्मन को उखाड़ फेंका। हर मुश्किल को हमारे सैनिकों के शौर्य ने हराया। हर ऊंचाई को बौना किया। भारत की हर चोटी पर फिर से लहराया तिरंगा। जिस मुल्क ने 1948 का धोखा दिया, जिस मुल्क ने 1965 का षड्यंत्र रचा, जिस मुल्क ने 1971 का युद्ध दिया, जिस मुल्क ने 1987 की साजिश दी, उस मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का साहस सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री में ही हो सकता था। एक उम्मीद थी, बस बेहतर स्थिति बनाने की। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम का यह पहला दौरा है। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 20 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हिंसा और खून खराबे से निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ सुथरे माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपना कर ही किया जा सकता है। दोस्ती तो दूर की बात रही, पाकिस्तान ने तो दुश्मनी के नियम भी शर्मिंदा कर दिए। अमन की आशा और सदा इस सरहद वाली दिल्ली लाहौर बस सेवा के बदले करगिल का विश्वासघात दिया। करगिल से तो भारत ने उसे बेआबरू करके खदेड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी गिरने की जितनी सीमाएं हो सकती थी पाकिस्तान उनसे भी नीचे गिरा। भारतीय सैनिकों के साथ उसने जो व्यवहार किया वो किसी सभ्य जाति का काम नहीं हो सकता। उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया, मगर जब वो करीब आए हम उन्हें कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने छुपकर वार किया था और भारत ने खुलकर उसका मुकाबला किया। यानी जब तक दोस्ती की तो दिल लगा कर की, लेकिन दुश्मनी निभाने की बारी आई तो दिमाग लगाया। 16-17 हजार फीट की ऊंचाइयों पर
दुश्मन बैठा हुआ हो वहां से उसे खदेड़ भगाया भारतीय जवानों ने, क्योंकि यह मिट्टी ही है शूरवीरों की, परमवीरों की। चीन हो या पाकिस्तान, ये बात दोनों को अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि युद्ध की नीति या रणक्षेत्र की रणनीति के अलावा भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे जवानों का जज्बा है। हथियारों के बल पर उस जज्बे को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इस देश की मिट्टी पर ऐसे शूरवीर उपजते हैं जो बलिदान की परंपरा को साथ लेकर मैदान में उतरते हैं। बुखार से तपता जिस्म कैप्टन विक्रम बत्रा के संकल्प के आड़े नहीं आया, क्योंकि मातृभूमि पर दुश्मन की मौजूदगी का आवेश ज्यादा तेज है। दोनों ऑफिसर्स ने कैप जो थी वो उतार करके तो ये खबर दी कि विक्रम बत्रा इज नो मोर। तो हमें काफी एकदम से सदमा लगा। तो उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं या तो झंडा लहरा करके आऊँगा। उन्होंने दो तीन पीक्स कैप्चर किए और झंडे भी लहराए और वो लिपट करके तिरंगे झंडे में वो वापस आए। गरीबी ने माटी की रक्षा का भाव कमजोर नहीं होने दिया। रणक्षेत्र में जैसा मौत का तांडव रचाया वो पाकिस्तान की सात पुश्तों के सपने में खौफ बनकर आता रहेगा। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से पाकिस्तानियों का, सीधे तीन या चार गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा ना छोड़नो, मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। गोलियों से छलनी जिस्म ने मौत को कई बार दूर धकेल दिया ताकि पाकिस्तानी मंसूबों की खबर भारतीय सैनिकों तक पहुंच जाए। मालूम था इस समय मौत का मतलब भारतीय खेमे में तबाही हो सकता है। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो, मुझे एकदम से चेतना आई, ऐसा आभास हुआ कि शायद मैं जिंदा हूं। और फिर एक अंतरात्मा से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड जा गिरा और मैं जैसे था फिर वैसे लेट गया। तो एकदम से उसको लगा कि पीछे कुछ हरकत है, उसने पीछे की तरफ देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं, दोनों तरफ राइफल टकी हुई है उसके। और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड को, ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उस धमाके से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर सकता हूँ। हाथों में बंदूक लेकर दुश्मन को सामने खड़े होकर ललकारते हुए संजय कुमार का वो रूप करगिल में हमेशा वीरता का प्रतीक रहेगा। दुश्मन की कितनी गोलियां लग चुकी हैं ये ध्यान नहीं, लेकिन कितने दुश्मन और बचे हैं बस यही ध्यान रहे। तो चार जवान थे वहाँ बचे हुए, लेकिन क्या था कि पीछे वाला पोस्ट भी तो हमने कैप्चर कर लिया था, लेजेरिया का जो पोस्ट था वहाँ से उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। तब तक हमारी डेल्टा कंपनी थी, अल्फा कंपनी थी, अपनी कंपनी थी, मेरी चाली कंपनी थी, तो काफी जवान वहाँ पे पहुंच गए और वहाँ से हम सभी ने वो दोबारा फायर खोल दिया और उनका जो काउंटर अटैक था वो पीछे ही रोक दिया, उनको दोबारा वापस वहीं से वापस होना पड़ा। करगिल युद्ध में जिस तरह की विषम परिस्थितियों में, जिस तरह से युद्ध के तमाम नियमों को चुनौती देते हुए हमारे सैनिकों ने विजय हासिल की थी, हम उसी विजय को आज याद कर रहे हैं और उस
परिपेक्ष्य में देख रहे हैं कि चीन को भारत से किस तरह की चेतावनी मिलनी चाहिए, हमारे शौर्य से, हमारे वीरों की गाथाओं से। यह भी अजीब सा इत्तेफाक है कि करगिल के युद्ध में यूं तो सीधे सीधे चीन की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ जब वो पूरी साजिश रच रहे थे तो बीजिंग में बैठकर, उस समय तो अमेरिका भी कहने के लिए पाकिस्तान का दोस्त ही था। हालांकि करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने कोई स्टैंड नहीं लिया था और उसे लग रहा था कि पाकिस्तान की गलती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से दोनों के बीच कोऑपरेशन रहता था, भारत की कूटनीति उस हिसाब से उसे मात नहीं दे पा रही थी। पर आज की तारीख में भारत ने पूरी दुनिया की कूटनीति का बैलेंस बदला है। अपने टर्म्स पे हम दोस्ती करते हैं दूसरे देशों के साथ, लेकिन फिर भी अपने मामलों में किसी तीसरे देश का दखल आज भी मंजूर नहीं है। एक वादा है देश से इस बात का कि विजय के पर्व अब कभी उदास नहीं होंगे। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। एक वादा है खुद से कि दुश्मन के किसी विश्वासघात को अब कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की एक इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। एक भरोसा है देश के लिए इस बात का कि मेरे देश तो जश्न मना, सरहद पर हम डटे। सभी जगह हमारे जवान और अफसर, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। विजय पर्व की ये तस्वीर विश्वास दिलाती है देश को कि जब तक मां भारती के लाल बलिदान की परंपरा को निभाएंगे, तिरंगा ऐसे ही फहराता रहेगा। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि अपने कार्यकाल में वो पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करें, लेकिन धोखेबाज पाकिस्तान की हरकतों ने ये होने नहीं दिया था। साजिश सामने आने पर जब हम जंग लड़ने पर आए तो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी उस हार से मुंह छिपाए उसका जनरल विदेशों में भटक रहा है। 15 दफा पाकिस्तान के कोर्ट में हर लेवल पे गया हूं और खुद पेश हुआ, तो जाना जेल में जाना नहीं जाना सवाल नहीं था। मैं खुद पेश हुआ वॉलंटियर और 2013 में मैं खुद गया हूँ पाकिस्तान वापस, कोई किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था। 2013 में मैं गया और 2016 तक मैं उधर ही रहा था 3 साल। तो ये बात नहीं है, कोई डर खौफ की बात नहीं है। नियति ने करगिल युद्ध के दूसरे विलन नवाज शरीफ के साथ भी न्याय किया। जेल की सलाखों और अस्पताल के बीच झूलती जिंदगी में वो अमन की उस आशा को तोड़ने के गुनाह को आंकते जरूर होंगे। मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर चूरा घोंपा गया, मैंने कहा और मैंने 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 कहा मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में चूरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में चूरा घोंपने वाली ही बात है, लेकिन मैं अब ये गिला किस से करूं पाकिस्तान के अंदर। भारत
भारत ने करगिल की जंग 2 महीनों के कठिन संघर्ष में जीती। हमने अपने कई पराक्रमी जवानों को गंवाया, लेकिन उसके बाद से कई चीजों को बदला गया। वाजपेयी जी का कवि हृदय ये जानकर फट पड़ा कि युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त जवानों के शरीरों को उनके घर तक नहीं पहुंचाया जाता, उनके अपनों को अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होते। उन्होंने नीतियां बदल दी। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उसकी कुर्बानी से पूरा सूरज भी शर्माता है, उसकी कुर्बानी के आगे सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। करगिल की याद हमारे दिलों से कभी नहीं मिटेगी और मिटनी भी नहीं चाहिए। शौर्य की वो परंपरा हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। करगिल का युद्ध हमें ये भी याद दिलाता है कि पाकिस्तान से लगती सरहद पर हम एक पल को भी सुस्त नहीं पड़ सकते, चाहे इस समय चीन से लगती सीमाएं ज्यादा ज्वलंत क्यों न नजर आ रही। आज हिंदुस्तान LAC और LOC दोनों पर बराबर सतर्क है। चीन से बढ़ते गतिरोध के बीच भारत ने एक पल के लिए भी दूसरे मोर्चे पर अपनी तैयारियों में कोताही नहीं बरती। रक्षा मंत्री ने लद्दाख का दौरा किया तो साथ में कश्मीर भी गए। थल सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष दोनों ने ही दोनों मोर्चों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह की ऊंचाइयों से बीजिंग तक पहुंचने वाली आवाज में भारत की प्रतिबद्धता का उद्घोष किया। लेह लद्दाख दौरे से अगले ही दिन रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तान को ये जता दिया कि चीन के चक्कर में वो अपनी लाइन क्रॉस करने की जुर्रत न करे। भारतीय सेना की मार से पाकिस्तान पहले से अधमरा है, लेकिन सेनाध्यक्ष इस भरोसे में कोई कमी नहीं आने देना चाहते कि चीन से टकराव की स्थिति में पाकिस्तानी मोर्चे पर हमारी तैयारी पुख्ता न हो। लेह से जम्मू कश्मीर तक का उनका दौरा चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की तैयारी की भरोसेमंद तस्वीर। भारत को अच्छी तरह पता है कि चीन या पाकिस्तान या दोनों से एक साथ युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना की भूमिका बहुत अहम रही। चीन की तरफ से संकट सामने है। गलवान टकराव के बाद वायुसेना अध्यक्ष ने LAC का जायजा लिया, तैयारियों का आकलन किया, चीन पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में क्या क्या विकल्प होंगे इसकी समीक्षा भी की। इसके बाद श्रीनगर एयरबेस पर पहुंचकर ये विश्वास देश के सामने रखा कि आसमान में रक्षा का हर मोर्चा मजबूत है। फोर्स रेडी है कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए। कोई भी चैलेंज होगा, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी मिशन होगा, हम उसको करने के लिए पूरे सक्षम है। हथियारों के जमावड़े पर भारत का फोकस नहीं रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों ने भय बिन होई न प्रीत का सिद्धांत अपनाने पर भारत को मजबूर कर दिया है। अब जल थल नभ तीनों में भारत का शक्ति संतुलन बेमिसाल। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। करगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान के पास बहुत एडवांस हथियार हुआ करते थे। दरअसल भारतीय सेना को एक बहुत लंबा दौर देखना पड़ा है जब आधुनिक हथियारों के लिए या हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता, बहुत इंतजार करना पड़ता। अब ये कहा जा रहा है कि नीतियां बदल रही हैं, कुछ हद तक वो जमीन पर नजर भी आ रही हैं।
भारतीय सेना के हाथों को हथियारों से मजबूत किया जा रहा है, दूसरा ये कि हथियार से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर कूटनीति तक जितनी कमियां थी सबको दुरुस्त किया जा रहा है। हर युद्ध में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की कसक हमने महसूस की, करगिल में भी की, लेकिन आज उस बुनियादी ढांचे का विकास निरंतर जारी है। सीमा से लगते इलाकों तक जाने के लिए सड़कों का निर्माण चल रहा है, चाहे एलएसी का हिस्सा हो या एलओसी। इतना ही नहीं, अब भारतीय सेना के हाथों को हथियारों से और मजबूती प्रदान करना हमारी नीति में शामिल है। 85 के बाद हमारे देश में कोई गन नहीं आई थी और फौज के लिए गन बहुत बड़ी ताकत होती है जी। बोफोर्स के बाद कुछ हुआ ही नहीं। अब हम मेक इन इंडिया में 3 प्रकार के अलग अलग, और एक हमारी शायद दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाएगी रेंज, 48 किलोमीटर है, मतलब कि गुजरात की सीमा पर मेरी तोप खड़ी है, पाकिस्तान में घर में जा कर के मार सकती है। ये काम हमने कर दिया है। जो AK-47 की सीरीज होती है, दुनिया की टॉप मोस्ट राइफल हमारी यहाँ बनेगी जी। और भारत को खुद का मार्केट करीब 10 लाख का है, और वो इतनी मात्रा में, अच्छा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न है, हमारे जवानों के हाथ में होगी और बहुत सस्ते में होगी और हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। वायुसेना की ताकत का इजाफा किया जा रहा है, राफेल आ रहा है, अतिरिक्त Su-30 आ रहे हैं, अपग्रेडेड MiG-29 भी आ रहे हैं। करगिल की हर कमी को दूर कर आज ताकत बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। एक समय था जब पाकिस्तान हर देश के पास भाग भाग कर अपना रोना रोता था, कश्मीर में अत्याचार की झूठी तस्वीर दिखाता था, कई देश तो उसके समर्थन में आगे भी आ जाते थे, पर भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। उसका आतंकी चरित्र भारत ने दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। युद्ध में उसे शिकस्त तो हमने हर बार दी है, अब तो युद्ध छेड़ने लायक ही नहीं छोड़ा। कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। ये समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी। हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं। कश्मीर की रट लगाते पाकिस्तान को सबसे बड़ी पटखनी दी धारा 370 हटाकर। इंच इंच भारत की भूमि पर कब्जा करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान को अब अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर से खदेड़े जाने का डर सता रहा। जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं मान्य सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। भारत आज अमेरिका, ईरान, इजराइल, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी सबसे बराबरी के रिश्ते रखता है, तो पाकिस्तान और चीन को दुनिया के किसी भी मंच पर उनकी करनी के लिए शर्मिंदा करने से भी पीछे नहीं हटता। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो,
उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। भारत की बदली कूटनीति का सबसे बड़ा प्रहार तो इस समय चीन पर हुआ है। युद्ध के हर रास्ते पर अमेरिका और फ्रांस भारत के साथ खड़े चीन को चेतावनी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देश चीन के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. विजय दिवस जैसे उत्सव भारत के रक्षा संकल्प को और मजबूत करते हैं। ऐसे अवसर पर बलिदानियों को याद करना दुश्मन से लड़ने का हौसला और बढ़ाता है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।